महेंद्र भाई प्रणाम। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम क्यों करता हूँ कि आपने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में भाग लिया, भाग लेके ठीक हो रहे हैं और 1.5 महीने के बाद में आपने बहुत बढ़िया वीडियो दे रहे हैं। लोग आते हैं 3-3 महीने में और रोग को पालते हैं, परंतु आपने तो गजब कर दिया। क्या बात है, दिल की बात कराइए, शॉर्ट में बताइए सर। साहब मेरे को राइट कान में करीब 40 साल से प्रॉब्लम था। ओहो हो। मैंने डॉक्टर बालगे को बताया था। अच्छा। उन टाइम 1981 में। अच्छा। फर्स्ट टाइम अंदर से मेरे बड़े डॉक्टर थे वो बालगे। हाँ, खून आता था मेरे कान में। हाँ, रस्सी की जगह खून आता था। उस वक्त मैंने डॉक्टर बालगे को बताया था, उन्होंने बोला कि कान में होल है पर्दे में, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन दिनों में 1981 में उन्होंने 5,000 रुपया बोला था। ओहो। मैंने बोला साहब इतना तो मेरा तो अभी 400 रुपया पगार है, मैं कहाँ से लाऊंगा उस समय पगार। उन्होंने बोला आप सिविल में चले जाओ, वहाँ मैं फ्री में करूँगा। लेकिन बाद में महसाना में हमारे फैमिली डॉक्टर ने बताया कि भी एक पर्दा का ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होता है, मत कराओ, इससे कोई फायदा अगर हुआ नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप कान में रू रखो, ठंडा पवन नहीं जाना चाहिए, ठंडा पवन जाएगा तो रस्सी आएगी। तो मैंने 40 साल तक इसमें रू रखा और चलाया अभी तक। लेकिन अचानक जुलाई में 2019 में मेरे को ये लेफ्ट कान में मेरे को अचानक रस्सी चालू हुई, बारिश में थोड़ा भिगा तो, और फिर कान में बताया डॉक्टर, उन्होंने बताया, दवा दी मेरे को, फिर मेरे को अचानक सुनना एकदम कम करते बिल्कुल बंद हो गया। मैंने RTO पर डॉक्टर सुरेश पटेल को दिखाया, उन्होंने देखा, बोले अंकल आपका अभी एज हो गया है तो आपकी नस सूख रही है, इसीलिए पर्दे में होल है लेकिन ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, पर्दे का ऑपरेशन होगा लेकिन अंदर नस का कुछ नहीं होगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा करो ऑडियो निकाल लाओ और आप मशीन ला दो। तो फिर मैंने सोचा साहब मशीन, तो बोले आपको मशीन लाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। मैंने बोला साहब मेरे को तो बहुत टेंशन होती है और मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। फिर मैंने ये TV9 पर और संदेश में दोनों में सुराना साहब का वीडियो देखा, तो उन दिनों में मैंने उनको फोन करके बात किया, तो उन्होंने बताया कि भाई आप हमारे यहाँ पर आ जाओ, 2 फोटा और 21,500 लेके आ जाओ। तो मेरे को थोड़ा 21,500 ज़्यादा लगा, तो मैं सोचने में 10-15-20 दिन निकाल दिए, और मेरे को ये बढ़ती गई समस्या, सुनने को नहीं, रात को मैं खड़ा हो जाऊँ नींद में से, नींद नहीं आए, खाना मेरा चला गया, भूख नहीं लगी, और इतना डिप्रेशन में आया कि मेरे को डायबिटीज़ और BP बढ़ गए। उत्तरी। फिर मेरा लड़का आया, राजस्थान में था, तो उसने मेरे को बताया कि पापा चलो आप, मेरी मिसिज ने बताया कि भाई TV में ऐड आती है बहरापन, कैसा भी हो, नसें सूख रही हो, पर्दे में हो लो तो मिटता है, तो बोले तेरा पापा ने ये चार्ज सुन के वो नहीं जाते, तो लड़का बोला नहीं चलो पापा। तो हम 30 तारीख को यहाँ, 30 अगस्त को, और यहाँ आने के बाद हमने 10 बजे मिले, उनको हमारा हिस्ट्री दिया, फिर बोले 5 घंटा रुकना पड़ेगा, तो हम खाना खाने के लिए चले गए। फिर जाके मेरे को लगा नहीं नहीं यार 21,500 ज़्यादा है। फिर मेरे बच्चे ने, मैं सो गया था तो उठाया 2 बजने, पापा चलो अभी जाना ही है, भले 21,500 चले, और यहाँ आके ट्रीटमेंट लिया। हमको यहाँ 2 बजे आए, हमको 7 बजे हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, तो मेरे को 7 बजे ऐसा लगा कि नहीं कुछ फ़ायदा तो है ज़रूर। 3-4 घंटे में मेरे को दया, 1.5 घंटा जो दया दवा डाली उससे मेरे को बहुत अच्छा फर्क लगा कि नहीं ज़रा अच्छा सुनाई देता है पहले से, और उसके बाद मेरे को 3 महीने की दवा दी थी, चालू हुआ या 1.5 महीना हो गया आज, तो बिल्कुल मेरे को आज मेरे चाचा और चाची, मेरे चाचा की उम्र 90 साल की है, मेरी चाची की उम्र 75 ईयर्स 75 साल की है, उन दोनों को मैं लेके यहाँ आया हूँ और साहब के पास मैंने ट्रीटमेंट चालू किया है। मैं तो साहब को भगवान समझता हूँ, एक टाइम था कि मैं सुसाइड करने को तैयार हो गया था, इतना डिप्रेशन में आ गया, मेरे को एक कान तो 40 साल से बंद है, अगर ये कान भी चला गया तो मेरे को तो कैसा कोई बात नहीं सुनाई देगा। महेंद्र भाई घबरावन हो रहा है सर, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, पर ऐसा बताऊँ मैं आपको, जिंदगी में कभी बहरापन आएगा ही नहीं, तो साहब इतने अच्छे हो, मेरे को ये दिल खोल के बात मिले थे तो मेरे को पूछना था कि साहब ये पर्दा में होल है तो क्या। पर्दे में होल होता ही नहीं है सर, पर्दे में होल होता है गटर में, पर्दे में फिल्टर बड़े होते हैं वो भर जाते हैं। अच्छा।
आपको तो कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। बहुत, और बहुत देखो अच्छा। मैं सच बताऊं पढ़ने में क्या होता है सर, कान गलता है या पानी ज्यादा आता है या फ्लूट बढ़ जाता है ना तो पर्दा गलने लगता है। अच्छा, गिरता तो गलने लगता है तो वो आपको ऐसा लगता है फिल्टर बढ़ाओ के हो जाता है। पर जैसे ही दवाइयाँ जाती है हम लोगों की, हम लोग तीन महीने, आप देखिए हम ये 21,500 क्या चीज़ के ले रहे बताऊँ, 3 घंटे हमने दवाई की, आपकी ट्रेनिंग सुलाया इसी रूम में, ट्रेनिंग हुआ, दवाइयाँ दी, पहले प्री टेस्टिंग हुआ, बाद में टेस्टिंग हुआ, फिर बाद में पूछा कैसे लग रहा है, आपने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, फ़र्क पड़ गया, उसके बाद में 3 महीने की दवाइयाँ दी, 3 महीने के बाद में आपको कहा कि 1-3 महीने की दवाइयाँ बहुत होती है और 1 वीकली करना, उसके बाद में आपको वारंटी देना जानबूझ करके कि सर आप चिंता मत करो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड हो, जिंदगी भर मैं आपको ठीक रखूँगा। तो ये सब कहना पेशेंट को समझाना बहुत बड़ी बात है, पैसे की बात नहीं है, पैसे तो आपके ऊपर ही लगेंगे, ये 21,500 रुपये लगे क्योंकि दवाई जाएगी। अब आज ही दूसरी बार आप 1.5 महीने में आए, कितना दोस्त समझ करके आपने पथरी की बात की, तो मैं पथरी की दवाइयाँ आपको दे रहा हूँ और पथरी मैं समझता हूँ कि आपकी पथरी कैसी है, आपने क्या बताया मालूम है कि चल बनती रहती है आपके यहाँ पथरी 40 साल से। अच्छा, और आपके लिए आपके घर में भी यही है, आपके भाई को कितनी बार, हमारे बड़े भाई को तो 200 पथरी आज तक निकली है हिम्मतनगर में। ये सब हमको बंद करके देना है तो हमारे लिए तो देखो मेडिकल लाइन है, हम लोग होम्योपैथी वाले हैं तो हमारे हाथ में तो कला है तो मिटा देंगे, मतलब ट्रीटमेंट है तो बहुत कला अच्छा क्या है, है। पथरी का प्रॉब्लम क्योंकि अभी हमारा बुढ़ापा है और बुढ़ापा, देखो बुढ़ापा कोई नहीं यार, आप नहीं, तो यंग लग रहे हो महेंद्र भाई, नहीं यार बहुत बढ़िया लग रहे हो, आप तो गजब एज हुई ऐसा, मतलब पहले 28 साल में पथरी हुई थी तो हम वो पेन हम झेल सकते थे। ये मुझे ये डॉक्यूमेंट्री देख करके आपने संसार के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया आपको मालूम नहीं है, क्योंकि जो दिल के सच्चे अच्छे लोग होते हैं उनको लोग समझ जाते हैं कि सच्ची बोल रहा है कि ऐसी गप्पे मार रहा है, बना हुआ वीडियो लोगों को पसंद नहीं है, ये तो आपने दिल खोल के बात की तो लोग समझेंगे अरे वाह कि एक आदमी दिल से बात कर रहा है। और दिल की बात क्या होती है मालूम है, देखो सर मैं बताऊँ मैं क्यों आपके इतना समय आपके दे रहा हूँ, सच बताऊँ संसार में इसका कोई इलाज नहीं है, लोग दुखी हो जाते हैं और 100% सभी हमारे यहाँ जादू की तरह ठीक हो रहे, ऐसे नहीं, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है और आप अपने दिल की बात कर रहे हैं तो ये वीडियो संसार में जाने से क्या होगा, लोगों को विश्वास होगा कि ट्रीटमेंट में सच्चाई है, ठीक हो सकते हैं। नहीं सर, मैं और लोगों को बोलता हूँ कि आप एक बार जरूर यहाँ अटेंड करें, आप सुराना साहब का क्लिनिक एक बार अटेंड करो, आपको 100% मेरे को तो दूसरी बात साहब भगवान जैसे लगे। नहीं नहीं भगवान मत कहो, भगवान तो भगवान है, मैं तो आपका सेवक हूँ, ये हमारी बड़ा प्यार है, मैंने आपको लाइफ टाइम फ्रेंड बना लिया है, ये मेरे को बहुत, देखो सर मैं बताऊँ मेरे फादर, एक बहुत बढ़िया बात, मेरे फादर को आई की तकलीफ थी, मेरी दादी को आई की तकलीफ, हर साल मैं आई चेक करवाता हूँ, कान और आँख ऐसी चीज है कि अगर बुढ़ापे में हमको, हम जब तक हमारा मतलब आयुष्य है तब तक ये ठीक रहना चाहिए, ये अगर आपकी बार मम्मी पापा को जब लेके आएंगे तो आंख की दवाई भी देंगे हम, वो तो एक्सपायर हो गए। अच्छा, थे, अच्छा, अच्छा हो नहीं, फिर आपको एक दूसरी बात और बताता हूँ, हमारे यहाँ पर सभी रोगों की चिकित्सा होती है महेंद्र भाई, आपको क्या करना है एक मित्र भाव से कभी भी कोई तकलीफ हो तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी जैसे रखते हो वैसे आओ बताओ कि प्रवीण भाई हमें इसकी तकलीफ है, हमारी मॉरल और जिम्मेवारी है कि आपको हम स्वस्थ रखें, रोग का नाम मेरा क्या स्लोगन है, रोग का नाम कुछ भी हो आपको क्या हुआ है बताइए और रोग में से मुक्ति पाइए, ये हमारा नियम है, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो मेरा क्या कहना है सर, मतलब खाली बहरेपन के लिए नहीं करते हम, सब चीज के इलाज करते हैं। तो मैं गिरीश भाई को पूछा अभी कि साहब ये दवाइयाँ देते हैं तो क्या हमारे हिस्ट्री के मुताबिक देते, बोले हाँ, मैंने बोला मेरे को तो ये दवाई लेने के बाद पथरी निकलनी चालू हुई, तो बोले आप साहब को मिलो जाके, जरूर अभी बताते हैं दवाई का नाम बताते हैं। अच्छा दूसरी बात देखिए महेंद्र भाई, बात यह है कि दुनिया में आप ठीक होकर ये दूसरों को ठीक करा रहे, ये बड़ा पुण्य का काम है, 100% है कि नहीं सर, आप मम्मी को वापिस लेके आए 1.5 महीने में, तो आज मम्मी की समस्या सुनेंगे, मम्मी को भी ठीक करेंगे, चिंता मत करिए, और आप तो हमारे वैसे भी मित्र एडवाइज़र है, मशीन बेचते हैं ऑक्सीजन वाली, तो हम चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम हो, बहुत सारे संसार में बताएं सबको, ठीक है सर, बाय।